हेलो गाइस, ये लेके आ रहा हूँ बेबी किट और डायपर बच्चों के लिए। पहले अस्पताल से मिलता था बच्चों के लिए, तो अभी नहीं मिल रहा है, तो ये मार्केट से ख़रीद के लिए आऊँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ों की ख़रीदारी भी करनी पड़ती है जब बाप बन जाता है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और कुछ इस तरह की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है फीमेल हॉस्पिटल की तरह। अगर मैं देखिए कल पैदा हुए बच्चे, कुछ मेडिसिन है मैडम के लिए, 1 हफ्ते की मेडिसिन ये ले रहा हूँ। बच्चा कैसे हुआ है? नॉर्मल। ये सुबह शाम की है, ये सिंगल सिंगल। तो ये कुछ दवाइयाँ ले ली है मैडम की, 1 हफ्ते की दवाई। और सामने खुशियों की सवारी, मतलब ऐसा है कि जो जिन लोगों की डिलीवरी होगी उनको खुशियों की सवारी पे घर तक छोड़ेंगे। क्या हो गई गड़बड़? ये कुछ ख़रीदारी की है बच्चे के लिए और कुछ इस तरह से दूध पिलाया जा रहा है। ये लैक्टोजन है, लैक्टोजन मिल्क। अगर कभी भी हो एकदम से ना डाले, आराम से ऑटो पे रख दे, बच्चे फिर उसे अपने आप अंदर में खींच लेते हैं दूध को, भूख लगी हो तो, नहीं तो वापस भी कर देते हैं। वो बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है और अभी जा रहा हूँ ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए, तो उस जगह पे जाते हैं और दिखाते हैं आपको। ये गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगी रिपोर्ट चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर, इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने। रिपोर्ट लिया है और अभी चलते हैं हॉस्पिटल। ब्लड रिपोर्ट देखे तो डॉक्टर ने कहा कि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो अभी आया हूँ ब्लड बैंक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे और यहाँ पर ब्लड निकाल रहा हूँ। जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है वो मिल जाएगा यहाँ। ये लिया है ब्लड, ब्लड्स ग्रुप सैम से नहीं निकला, तो अब चढ़ेगा मैडम में ब्लड फिर गर्मा गर्म। 1 यूनिट खून शरीर में चढ़ने में पूरे 4 घंटे लगेंगे और 1 यूनिट खून निकालने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे। ठीक है, ठीक है। ब्लड पुराना चढ़ने तक ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, मतलब 4 घंटे पूरे भूखे रहेंगे मैडम। गए 4:30 बजे, अभी पहुँचे मेरे भतीजा और भतीजी लोग स्कूल से आए और अभी इधर आए हॉस्पिटल पे। स्कूल से हम बहुत पहले आ गए थे, ये खाली फेंक रहे हैं। आज हम स्कूल ही नहीं गए, नहीं गए, गए थे चाची तभी तो हम काम कर रहे थे। अरे पे कर रहा है। तो फेंक कौन रहा है? तो कुछ इस तरह के हैं शरारती। चाचू हर वक्त रात को सोते यही है। हाँ, कितने दिन से? 2 दिन से। 2 दिन से। यह है दीवांशु और जैसिका, बहुत ही शैतान और बदमाश बच्चे हैं। मैं तो नहीं हूँ शैतान। तुम अच्छे हो? हाँ। बदमाश कौन है फिर? ओ, यह है बदमाश। जैसिका है अच्छी, दीवांशु है बदमाश, ऐसा बोलो। अरे ऐसा ही नहीं है, तुम दोनों अच्छे हो, लेकिन मैं तो प्यार से कहता हूँ ना बदमाश। ऐसा तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक ब्लड नहीं चढ़ता तब तक आप खाना नहीं खिला सकते, कुछ भी नहीं, जूस ना दूध कुछ भी नहीं। तो ब्लड चढ़ गया, पूरे 4 घंटे भूखी रही मैडम, तो अभी दाल गर्म हो रही है। रात के 8 बज गए हैं, लैक्टोजन के लिए पानी गर्म हो रहा है। सो गाइस, रात के बज के 2:30 और अभी पानी लेके आए, थोड़ा ही इधर पे एक और लगा हुआ है, तो अभी पानी लेके आए बच्चों को, ये कि रात को भी लैक्टोजन बना के पिलाना पड़ सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम। और आज तीसरा दिन है इस फीमेल हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में, तो आज की सुबह थोड़ा लेट उठा, रात को 3 बजे तक जा गया था, उसके बाद सो गया था।
तो लेट उठा। सुबह उठते हुए सिस्टर आई रूम पे और कहने लगी 9 बज गए हैं, उठ जाओ, कब तक सोए रहोगे, इतनी देर में तो डिलीवरी वाली औरतें भी उठ जाती। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो इसमें देखिए माहवार गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन की संख्या कुछ इस तरह की है। अप्रैल महीने में 37 ऑपरेशन हुए और लड़के 81, लड़की 62 और कुल योग 143। तो डिटेल है पूरी नवंबर तक की। तो आज डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज होने से पहले एक बार फिर ब्लड टेस्ट किया जाएगा। तो अभी सुबह फिर ब्लड निकाला जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि भैया आप कितना है ब्लड शरीर में। तो अभी ठीक है तबीयत कल से? ये अभी तो हाई करने लग गई, मतलब ठीक है। तो एक बार और करा लो ब्लड टेस्ट, फिर चलते हैं घर को। ऑनलाइन में टाइम लग जा रहा है। सो गाइस, ये बैठ गए हम खुशी की सवारी में और अभी जा रहे हैं घर को। ये चाबी लो। मैडम बैठी है खुशी की सवारी में। मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ का धन्यवाद करके आता हूँ। ये चाबी, चलो फिर। हाँ, सभी का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर जाते समय आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पिता बनाया, क्योंकि इस काम में माता से ज़्यादा भूमिका आप ही की है, जो आपने मुझे पिता बनाया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी आ जाए, ठीक है। थैंक यू। सो गाइज, 2 दिन 2 रात हॉस्पिटल में रहने के बाद आज तीसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। खुशी की सवारी ने यहाँ तक छोड़ा, मैं तो बाइक से आया, और स्टाफ को भी धन्यवाद करना था और डॉक्टर को भी। तो एक चीज़ मैंने देखी, जिस तरह की हॉस्पिटल में कई प्रकार के लोग आते हैं, अमीर गरीब हर तबके के लोग हॉस्पिटल में आते हैं और उनकी वाइफ की डिलीवरी होती है और माता पिता बनते हैं। तो एक हिसाब से उन लोगों को जल्दीबाजी रहती है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे जेल घर में फंस गए, कितने जल्दी यहाँ से निकले हम। जहाँ तक देखिए, एक डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा हमारी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखने में रहती है कि कुछ तकलीफ़ ना हो, हर प्रकार की मेडिसिन देती हैं, बताती हैं, रखरखाव किस तरह से करना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ क्या दे सकते हैं हम डॉक्टर को, हॉस्पिटल के स्टाफ को, लेकिन एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं गाइज। सो बताइए गाइज वीडियो कैसी लगी, और कुछ पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।